गाइज, नकली दूध, मिलावटी दूध, ये जो टर्म है आपने काफी बार सुना होगा, न्यूज में भी आता रहता है कि यहाँ पर इतना नकली दूध पकड़ा, वहां इतना मिलावटी दूध पकड़ा, इतना सिंथेटिक दूध पकड़ा। तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए वो लोग खतरनाक केमिकल्स को मिला करके, घोल करके हमको दूध के नाम पर बेच देते हैं। हमको पता भी नहीं लगता, हमको लगता है कि हमको ताकत मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन असलियत में हम अपने शरीर में सिर्फ केमिकल्स डाल रहे होते हैं। फायदा तो दूर, बहुत ज्यादा नुकसान करता है नकली दूध। तो मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना हम दूध को टेस्ट करें कि दूध असली है या नकली है। मैंने अमेज़न पर सर्च किया, बहुत सारे किट्स मिले वहां पर। तो यहां पर हमारे पास में एक दूध को टेस्ट करने का किट, जिसका नाम है टेस्ट ओ मिल्क। ये जो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने रैंडमली एक किट को सेलेक्ट कर लिया और उसको मंगवा लिया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये दिखाएंगे ये नकली दूध कैसे बनता है, किन किन चीजों का यूज किया जाता है। आप खुद सोचो कि भाई ये केमिकल्स को हम कैसे पी सकते हैं अपने शरीर में, और उसके बाद में उसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि ये किट कैसे काम करता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं। और साथ ही साथ में इस वीडियो का मकसद किसी भी तरीके से नकली दूध बनाना या ऐसा सिखाना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक अवेयर करने के लिए वीडियो है। भाई अपनी हेल्थ के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लाइक कर देना वीडियो के लिए। दोस्तों जितना मैंने रिसर्च किया कि नकली दूध ये लोग कैसे बनाते हैं, तो वहां पर सामने आया कि लगभग इन केमिकल्स का वो लोग यूज करते हैं। यहाँ पर जो है पानी जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसके बाद में हमारे पास में है स्टार्च, साथ ही साथ में मिल्क पाउडर का भी यूज किया जाता है। ये है भाई साहब यूरिया, यूरिया जो कि एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, खाद के रूप में खेतों में दिया जाता है खाद के रूप में, और ये लोग दूध में मिलाते हैं। साथ ही साथ में ग्लूकोज का, एक सस्ती क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल चलेगा, और साथ ही साथ में शैम्पू या डिटर्जेंट पाउडर। सोचो जरा कि डिटर्जेंट पाउडर या शैम्पू जो है वो मिलाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अब प्रिपेयर करते हैं पहले नकली दूध, और यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, और साथ ही साथ में बिल्कुल रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसा ट्राई भी करो। हम लोग सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, और आप भी अवेयर रहो कि ये खतरनाक चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पानी में इन चीजों को मिलाना शुरू करते हैं। तो भाई हमने इसको छान लिया है, और यहां पर हमारा जो फर्जी दूध है वो तैयार हो गया। हालांकि मैं आपको सही बताऊं तो ये उतना असली जो है नहीं बना मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई हम ये काम करने वाले लोग नहीं है, हमारा काम एक्सपेरिमेंट करना है, और हम जो है सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो नकली दूध होगा ना, उसमें भी कमोबेश यही चीज़ें मिलेंगी, हो सकता है कुछ कम क्वांटिटी में, हो सकता है कुछ ज़्यादा में, लेकिन आप लोग देखो। तो यहाँ पर मैं आपको अब कंपेयर करके दिखाता हूँ कि असली और नकली में कितना अंतर है दिखने में। तो ये हो गया नकली दूध, और यहाँ पर मैं एक दूसरे गिलास में डाल रहा हूँ असली दूध, जो कि है भाई सरस का। तो गाइज ये है असली वाला दूध, और यहाँ पर आप लोग खुद ही देखो कि इनमें जो है क्या डिफरेंस है देखने में। देख करके कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि कौन सा नकली है कौन सा असली है, समझ रहे हो आप लोग, इतना खतरनाक लेवल पे ये चीज़ हो सकती है। लेकिन एक है असली और एक है केमिकल से भरा, जिसमें दूध तो कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ें हैं खतरनाक। तो यहाँ पर इन दोनों को रखते हैं और हमारी जो टेस्टिंग किट है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर एक फोटो बनी है दूध के गिलास की, यहाँ टेस्ट ओ मिल्क लिखा हुआ है, और जो है पीछे की तरफ भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन है, बताया गया है कि क्या करना है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या मिलता है। तो अंदर जो है भाई साहब एक ब्लू कलर का बॉक्स है, जो कि ऐसे सीधा है और ये यहाँ से खुल जाएगा। तो भाई साहब ये है मिल्क टेस्टिंग किट, ये है कोई यूज़र मैनुअल, मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी कुछ समझाया होगा। और यहाँ पर है एक डायरी, इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें भी जो है लिखा हुआ है कि इसको कैसे टेस्ट करना है एंड ऑल, सारी चीज़ों का कैसे जो है टेस्ट किया जाए। और अंदर की तरफ में इस तरीके के ये पत्ते हैं, जिनके अंदर जो है स्ट्रिप्स हैं चेक करने की कि क्या क्या केमिकल्स इसके अंदर हैं। और इस तरीके के चार चार बॉटल्स हैं जिनके अंदर हम जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो किट है ये करती है 8 चीज़ों का टेस्ट, यानी कि दूध में ये जो 8 खतरनाक चीज़ें हैं वो है या नहीं है। एक इस तरीके का हमारे पास में जो है कंटेनर भी है, जो कि टेस्ट ट्यूब जैसा है,
और यहाँ पर एक चीज़ और है, इसके अंदर कुछ है, बिल्कुल इसमें एक ड्रॉपर है और साथ में आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, तो इसको देखते हैं। इस पर लैक्टोमीटर लिखा हुआ है, तो भाई इन स्ट्रिप्स को तो रख देते हैं यहाँ पर और जो हमारा नकली दूध है उसको डालते हैं इसके अंदर ताकि हम इसको डाल सकें इन 8 कंटेनर्स में। तो भाई यहाँ पर जो है इसको हम आसानी से डाल सकते हैं सभी में, तो यहाँ पर मैंने इन सभी को भर दिया है। अब हमको हमारी स्ट्रिप्स उठानी है और ये जो है अलग अलग चीज़ों की स्ट्रिप है, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये है भाई स्टार्च टेस्ट स्ट्रिप, दिखाओ ज़रा। ये जो है चेक करती है कि आपके दूध में स्टार्च तो नहीं है। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि दूध में डाला जाता है दूध को असली जैसा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको फाड़ लेता हूँ और इसके अंदर से जो स्ट्रिप है उसको निकाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर स्टार्च वाले में मैं डाल दे रहा हूँ स्टार्च स्ट्रिप को। दोस्तों ये है हाइड्रोजन परोक्साइड वाला स्ट्रिप। दोस्तों ये स्ट्रिप टेस्ट करती है MQ2, तो यहाँ पर जो है MQ2। तो भाई यहाँ पर हमने सारी स्ट्रिप्स डाल दिए अकॉर्डिंगली जैसे जैसे नाम लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको 10 मिनट हो चुके हैं इस दूध में ये स्ट्रिप्स डाले हुए, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है। तो सबसे फर्स्ट इस डब्बी से शुरू करते हैं। ये जो टेस्ट है ये बोरिक एसिड का टेस्ट है और यहाँ पर देखो क्या हो जाता है। अगर कोई चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये नेचुरल है, और अगर इसका जो कलर है वो ऑरेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये मिलावटी दूध है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो स्ट्रिप हमने डाली थी, आप लोग देखो कि ये जो है ऑरेंज कलर की हो चुकी है, मतलब कि इसमें बोरिक एसिड है और ऑब्वियसली मिलावटी दूध है, हमको तो पता ही है। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पे, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। और अब जो है मैं आपको थोड़ा फास्ट मोशन में जल्दी जल्दी बता दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो टेस्ट है यूरिया का टेस्ट है, अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब है नेचुरल है, लेकिन अगर ये येलो हो जाता है तो इसका मतलब है इसमें यूरिया है। और आप लोग देखो कि जो स्ट्रिप है यहाँ पर, जो सेकेंड नंबर वाली ये वाली जो स्ट्रिप है, ये येलो हो रखी है, आपको साफ साफ दिख रही होगी। और ऑब्वियसली इसमें यूरिया है क्योंकि हमने खुद ने मिलाया, और जो मिलावटी दूध बनाते हैं वो लोग भी मिलाते हैं, काफ़ी लोग मिलाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये टेस्टिंग में दिखा रहा है हमारे सामने कि इसमें ये खतरनाक केमिकल यूरिया है। तीसरा जो टेस्ट है वो है भैया यहाँ पर स्टार्च के लिए, और स्टार्च का जो टेस्ट है वहाँ अगर कोई चेंज नहीं होता, यानी कि अगर थोड़ा येलो रहता है तो मतलब नेचुरल है, और अगर ये थोड़ा सा ब्लू जैसा या देखो काला काला हो जाता है तो इसमें जो है स्टार्च मिलाया। और आप लोग देखो कि इस स्ट्रिप का जो कलर है ऊपर के सेक्शन का वो यहाँ पर हो चुका है काला काला सा, इसका मतलब इसमें स्टार्च भी है। दोस्तों चौथा टेस्ट है डिटर्जेंट या फिर सोप का। यहाँ पर अगर ये येलो कलर का लेता है, लाइट येलो, तो इसका मतलब इसमें सोप नहीं है, लेकिन अगर ये ब्लू येलो या ग्रीन होता है तो मतलब इसमें साबुन या डिटर्जेंट है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो चौथी डिब्बी है ये एकदम हरी एकदम ग्रीन हो रखी है, और हमको पता है कि इसमें जो है सोप या डिटर्जेंट मिलाया हुआ है क्योंकि हमने इसमें शैम्पू डाला है, चीजें सेम ही होती है इन चीजों में। जो पांचवा टेस्ट है दोस्तों वो है हाइड्रोजन परोक्साइड का, और यहां पर देखो अगर कोई चेंज नहीं होता मतलब नहीं है, और अगर ये जो है येलो हो जाता है तो इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड है। लेकिन आप लोग देखो कि इस डब्बी के अंदर ये वाली जो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड नहीं है क्योंकि हमने डाली नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये जो किट है एकदम सही अभी तक चीजें दिखा रहा है। छठा टेस्ट है न्यूट्रलाइजर का। तो यहाँ पर भाई अगर ये ऑरेंज रहता है इसका मतलब इसमें न्यूट्रलाइजर नहीं है, और अगर ये लाइट पिंक हो जाता है मतलब इसमें मिलावटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हो गया लाइट पिंक, लाइट पिंक देखो इसका कलर जो है गुलाबी हो गया, और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये नकली दूध का निशानी है। दोस्तों सातवां टेस्ट है MQ1 के लिए, जो कि कुछ माइक्रोबियल क्वालिटी करके होता है, और यहाँ पर अगर दूध 25 मिनट तक एकदम सफ़ेद रहता है उसके बाद में कलर चेंज करता है तो मतलब प्योर है, लेकिन हमारा जो दूध है वो सिर्फ 10 मिनट या 12 मिनट में कलर जो है वो पर्पल कर चुका है, और यहाँ पर साफ लिखा है कि पर्पल हो जाए मतलब इसमें जो है ये पीने लायक नहीं है, ये प्योर नहीं है। और हमारा जो आखिरी टेस्ट है उस पर भी आ जाते हैं, और दोस्तों आखिरी टेस्ट में भी यही लिखा हुआ है कि अगर 25 मिनट से पहले कलर चेंज होता है मतलब दूध खराब है, और यहाँ पर वही 10-12 मिनट के अंदर इन दोनों का कलर चेंज हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कि सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या किया है इन्होंने कि केमिकल स्ट्रिप डाली हुई है, हर जो स्ट्रिप है वो एक केमिकल में डूबी हुई है, और वो जो है जिस भी केमिकल की हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके साथ में रिएक्शन करके जो है एक स्पेसिफिक कलर देती है जो कि हमको इसमें देखने को मिलता है। लेकिन भाई ये जो पीने की चीज़ होती है, जो दूध होता है, उसकी असलियत या फिर नकलियत या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि मिलावटी जो दूध है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं।
तो यार कितने कमाल की चीज़ है कि हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि भाई उस चीज़ को हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों को ये चीज़ दिखा के, और साथ ही साथ में बहुत अच्छा होगा अगर कुछ भी फ़र्क पड़ता है इसे नकली दूध बनाने वालों को या फिर जो लोग गलती से पी रहे जिनको पता ही नहीं है। और आप लोग भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आप पैकेट दूध का खरीदें उस पर ध्यान रखोगी एकदम प्रॉपर जो है उसकी सीलिंग हो रखी है, उसमें कुछ भी काटा फांसी नहीं है, कोई टेप तो नहीं चिपक रही है या रीपैकेजिंग तो नहीं करी गई है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला इस केमिकल स्ट्रिप्स के द्वारा, तो नीचे हमारे लिए जो लाइक का बटन है वो दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।